यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बजेंद्रलाल शर्मा जी, आपका 11 महीने का जो कार्यकाल था युवाओं के लिए बेहतर था। आपने पेपर लीक माफिया जो युवाओं को सपनों को बेचा था, 200 से ज्यादा पेपर लीक माफिया को जेल में डाला। वहीं राजस्थान के इतिहास में पहली बार भर्ती परीक्षा को वो कैलेंडर जारी हुआ कि भर्ती की परीक्षा कब होगी और परिणाम कब जारी होगा, ये भी आपने कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसका कैडर का आपने कैडर बनाया और 48,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का निकालने का ऐलान कर दिया। वाहन चालक भर्ती के लिए भी ऐलान कर दिया। इसके अलावा पहले ही बजट में आपने 5 साल में 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकालने का ऐलान किया है। युवाओं की मांग पर आपने सीईटी में 40% किया, जैन भर्ती के लिए नियम संशोधन किए। इसके अलावा पात्रता एवं शिक्षक भर्ती को बरकरार रखा। आप हमेशा युवाओं की पीड़ाओं को समझ भी रहे हैं और युवाओं को तोहफा भी दे रहे हैं और उम्मीद है आप और भी बेहतर करेंगे। क्योंकि जब पहली मीटिंग आपने शपथ लेने के बाद जब पहली मीटिंग ली, एसआईटी का गठन किया और आपने कहा वो पेपर लीक माफिया को आप छोड़ेंगे नहीं और वही चरितार्थ आप कर रहे हो, लगातार आप कार्रवाई कर रहे हो। इसलिए मैं प्रदेश की युवाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप युवा हितैषी और युवाओं के प्रति आप संवेदनशील हो। लेकिन साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली है। हाल ही में 2202 पद स्कूल व्याख्याता भर्ती के हैं, उसमें 225 पद और हैं जो एग्रीकल्चर विषय के हैं। कुल मिलाकर 2427 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती की अभी अभ्यर्थना भिजवाई जा रही है, यानी कि भर्ती आई है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए भी कह रहे हैं कि 2129 पद बता रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड में अधिक से अधिक पदों पर ये भर्ती निकाली जाए। प्रदेश के लाखों युवा विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है फर्स्ट ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड जो कल डीपीसी हुई है, सेकंड ग्रेड पदों के लिए डीपीसी हो चुकी है, पद और भी खाली है, तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या भी बढ़ाने का मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की डीपीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर आप मजबूती से पेरिव करवाकर और जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा की जाए, क्योंकि डीपीसी हो जाएगी तो बड़े पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, भर्ती आ सकती है। उसके लिए भी आपसे निवेदन है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए भी आपसे निवेदन है। इसके अलावा नई एसआई, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां, जलदाय विभाग की भर्तियां, बिजली विभाग की भर्तियां, रोडवेज और परिवहन विभाग की भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करने के लिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपसे मुलाकात हुई थी और आपसे मुलाकात के समय जो 1.25 घंटे युवाओं का प्रतिनिधि मंडल आपसे जून में मिला था, आप ये कह रहे थे उपेन मैं एक भी पद गहलोत जी सरकार के कार्यकाल में थे उन तमाम पदों को भरूंगा, एक भी पद मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं आपसे मैंने आज एक लेटर भी लिखा है और आपसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि युवाओं के बहुत कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, आपकी संवेदनशीलता देखते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में हजारों पद हैं तो उनमें पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए और अन्य विभागों में भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप युवाओं के साथ जिस प्रकार आपने 11 महीने के कार्यकाल में अच्छा किया है, आपने नए आयाम स्थापित किए, उम्मीद है कि आप और भी जो अन्य विभागों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करेंगे और शिक्षा विभाग की भर्तियों का जो पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करें वो पदों की संख्या बढ़ाकर युवाओं के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद।